डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। साइबर क्राइम तो जैसे लोगों ने जुर्म करने के लिए आसान रास्ता बना लिया है, इस क्राइम को करने में लड़के हों या लड़कियां दोनों की हिस्सेदारी शामिल है। बल्कि आकाश से बातचीत करने के बाद तो मालूम होता है, कल तक जहां लड़के साइबर क्राइम कर लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, आज ये काम लड़कियां करने लगी हैं। दरअसल आकाश ने बताया कि उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप बंबल के जरिए पल्लवी से हुई, जो खुद गोस भारती यूनिवर्सिटी में BDS की छात्रा बताती है। कुछ समय बातचीत करने पर जब आकाश ने पल्लवी के व्यवहार में तब्दीली पाई तो जानकारी करने पर पता चला कि वह नशा करती है, जिसके चलते आकाश ने उसे तूरियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन पल्लवी नहीं मानी और उसे 20 अलग अलग नंबर से कांटेक्ट किया, साथ ही प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर डाला और झूठी रिपोर्ट जाकर आकाश के माता पिता को दिखा दी। वह आकाश का पीछा छोड़ने के लिए 10 लाख की मांग की, जिस पर उसको 3,25,000 तो मिल गए, बाकी पैसे ना मिलने पर उसने झूठा मुकदमा कर डाला और अपने बदमाशों से संबंधों का हवाला देते हुए आकाश को जान से मारने की धमकी दे रही है। इस दौरान इंसाफ के लिए SSP कार्यालय पहुंचे आकाश ने मीडिया को यह जानकारी दी। सुनिए। देखिए, मुझे ऑनलाइन इस लड़की की रिक्वेस्ट आई थी, हमारी ऑनलाइन बातें होनी शुरू हो गई, हम एक आध बार मिले, फिर मुझे ये लड़की सही नहीं लगी, इसकी चैट्स मुझे सही नहीं लगी, ये नशे वगैरह करती थी और फालतू मैसेजेस करती थी कि तू मुझे फोर्स क्यों नहीं करता, फोर्स किया कर, ऐसा सब, तो मैं इससे बात करनी बंद कर दी। फिर इसे कहीं से पता चला लड़का अच्छा खासा है, IIT से पढ़ा हुआ है, अमेजोन में जॉब कर रहा है, लाइफस्टाइल बहुत सही है, तो इसने फिर बात करने के लिए अलग अलग पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए, मैसेज करने शुरू कर दिए, मैंने बात नहीं की, अलग अलग नंबर से रास्ते में चलते हुए लोगों के फोन ले लेके शायद मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने 20 से ज्यादा नंबर ब्लॉक किए इसके, लेकिन ये रुकी नहीं। उसके बाद भी जब भी मैं बात नहीं कर रहा था तो इसने अपने दोस्तों के थ्रू मुझसे बात करने की कोशिश करी, फेक प्रेगनेंट होने के ड्रामे करने शुरू कर दिए, फेक रिपोर्ट्स भेजी। इसने हमें नॉर्मली जब कोई प्रेगनेंसी टेस्ट करता है तो किट से टेस्ट करता है, ये पहले तो इसने किट भेजी, किट में इसे लगा कि सामने वाला बिलीव नहीं करेगा, तो ये क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है तो इसे पता है हार्मोन्स वगैरह के टेस्ट कौन से कराने, इसने खुद से ही हार्मोन्स के टेस्ट कराए लैब में जाके, और उस रिपोर्ट को रिपोर्ट की PDF डाउनलोड करके उसको एडिट करके हार्मोन्स लेवल चेंज कर दिए ताकि दिखे कि ये प्रेग्नेंट है। फिर मेरे घर का भी पता लगा लिया और मेरे घर पे आके मेरे मम्मी पापा को फेक रिपोर्ट दिखाई कि देखो आपका लड़का क्या कर रहा है, मेरे दोस्तों को, मेरे बॉस को, मेरे जूनियर्स को कॉलेज में, सबको इसने वो फेक रिपोर्ट भेजी, पूरा डिफेमेशन किया ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दबाव बनाने लगी, फिर पैसे मांगने लगी, या तो पैसे मांगने, शादी के पहले तो इसने शादी का दबाव बनाया, बोलती या तो शादी करो या फिर मुझे इतने इतने पैसे दो। इसके पापा भी आ गए, इन्होंने हमसे पहले 10 लाख रुपए मांगे, हमने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया, फिर जाके कहीं 3.25 लाख रुपए में बात बनी थी, हमने रिटर्न एग्रीमेंट भी किया था कि ठीक है कोई किसी पे केस नहीं करेगा, बात खत्म करो क्योंकि हमें फालतू लंबे झंझट में पड़ना नहीं है। फिर 3.5-3.75 लाख रुपए लेके फिर ये इसको लालच आ गया, अगले दिन जाके इसने FIR कर दी कि मेरे को या तो पूरे पैसे दो या शादी करो। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।